तो स्वागत दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आरके टेक्निकल। इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों आप किस तरीके से किसी भी एंड रिजल्ट में जो लैग की प्रॉब्लम आती है दोस्तों, उसको कैसे परमानेंटली फिक्स किया जा सकता है। आप हैवी गेम खेलते हैं, पबजी, फ्री फायर या फिर COD या फिर हैवी एडिटिंग ऐप यूज़ करते हैं दोस्तों, जैसे काइंड मास्टर, इन सब में दोस्तों लैग की प्रॉब्लम आती है, उसको कैसे परमानेंटली फिक्स किया जा सकता है। उसके लिए दोस्तों मैंने सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन पार्ट में एक लिंक दिया दोस्तों, वहाँ पर से आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से वेबसाइट पर चले आएंगे जो कि मीडियावेयर है, जहाँ पर से दोस्तों इस फाइल को आपको परमानेंटली डाउनलोड कर लेनी है। यहां दोस्तों सक्सेसफुली हमारा डाउनलोड हो चुका है। देन दोस्तों ये जिप फाइल है, जिप फाइल को ओपन करने के दोस्तों आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, उसका नाम है दोस्तों ZArchiver। तो ZArchiver दोस्तों आपको प्ले स्टोर में देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली से प्ले स्टोर में यहां पर ZArchiver सर्च कर लेना है, देन इस एप्लीकेशन को अपने डिवाइस में कर लेना है इंस्टॉल। इंस्टॉल हमारा सक्सेसफुली हो चुका है दोस्तों। देन आपको क्या कर लेना है, यहां पर सिंपली से ओपन पे क्लिक कर लेना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर कुछ आपको फाइल्स की परमिशन यहां पर अलाउ एक्सेस देनी होगी इस ZArchiver ऐप को। देन दोस्तों हमारा सक्सेसफुली ZArchiver एप्लीकेशन हो चुका है ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों डाउनलोड वाले फोल्डर पे चला जाता हूँ। देन आपने जो जिप फाइल डाउनलोड की थी दोस्तों, उसको यहाँ पर से आपको लोकेट कर लेना है, मेरा नीचे में दिख गया दोस्तों कुछ इस प्रकार से। देन दोस्तों इस फाइल को आपको कर देना है यहीं पर से एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक। एक्सट्रैक्ट हियर पे आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों हमारा सक्सेसफुली एक्सट्रैक्टिंग हो जाएगा स्टार्ट। देन दोस्तों आपको ऊपर आ जाना है, देन उस फाइल को कर लेना है आपको सिंपली से ओपन। यहाँ पर अलग सा फोल्डर आपको देखने को मिल जाएगा एनेबल लैग फिक्स का, तो यहाँ पर फिर से दोस्तों इस फाइल को आपको एक्सट्रैक्ट हियर पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा सक्सेसफुल ये फोल्डर ओपन हो चुका है। देन दोस्तों अब एक एप्लीकेशन दिखेगी MTN मैनेजर नाम की, तो इस एप्लीकेशन को दोस्तों अपने डिवाइस में कर लेना है इंस्टॉल पर क्लिक। देन दोस्तों यहाँ पर इसको परमिशन दे देनी है, देन आपका सक्सेसफुल इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जाएगा, आपको एक्सेप्ट कर लेना है। देन दोस्तों एप्लीकेशन हमारी सक्सेसफुली हो चुकी है अपने डिवाइस में इंस्टॉल कंप्लीट। अब दोस्तों आपको यहीं पर से इस एप्लीकेशन को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपको अलाउ एक्सेस इस पर इस ऐप को दे देनी है परमिशन, देन ओके पे क्लिक कर लेना है। देन दोस्तों हमारी सक्सेसफुल ये एप्लीकेशन MT मैनेजर की ओपन हो जाएगी। देन यहां पर से आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा दोस्तों, आपको क्या कर लेना है एक्सेप्ट कर लेना है। देन दोस्तों एक अपडेट का ऑप्शन आएगा, आपको अपडेट के ऑप्शन पर कैंसिल कर लेना है। देन दोस्तों यहां पर से आपको ऊपर में दिख जाएगा एक 3 डॉट का ऑप्शन, तो यहां पर से दोस्तों आपको कर लेना है 3 डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक। क्लिक करने बाद दोस्तों आपको डिवाइस स्टोरेज पे कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको बगल में दिख जाएगा डिवाइस स्टोरेज का ऑप्शन। अब दोस्तों आपने जहां पर जिस फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था एनेबल लैग फिक्स की फाइल को एक्सट्रैक्ट किया था, उस फोल्डर को आपको लोकेट कर लेना है। मैंने कुछ इस प्रकार से लोकेट कर लिया दोस्तों, देन उस फाइल को कर लेना है आपको एग्जीक्यूट पे क्लिक। एग्जीक्यूट पे आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देन दोस्तों आपको जिस भी एप्लीकेशन में लैग की प्रॉब्लम आती है उस एप्लीकेशन का नाम यहां पर आपको फुल कैपिटल लेटर में टाइप कर देना है। जैसे आप फ्री फायर खेलते हो तो फ्री फायर डाल सकते हैं, मोबाइल लेजेंड खेलते हो तो मोबाइल लेजेंड, पबजी खेलते हो तो पबजी यहाँ पर आप कैपिटल में डाल सकते हैं। दोस्तों अगर आप एडिटिंग के लिए यहाँ पर अपना लैग फिक्स करना चाहते हैं तो काइंड मास्टर डाल सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आप डालेंगे दोस्तों जिस भी एप्लीकेशन पर आपको लैग की प्रॉब्लम आ रही है उस एप्लीकेशन का नेम। देन दोस्तों आपको कर देना है इंटर पर क्लिक। इंटर पर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आपका फाइल एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर से दोस्तों आपका देखने को मिल रहा है चेकिंग डिवाइस हार्डवेयर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर से आपका CPU GPU जो भी आपके डिवाइस में लगा हुआ है दोस्तों उसको ऑटो डिटेक्ट ये एप्लीकेशन कर लेगा। देन दोस्तों आपके डिवाइस में जो ऑप्टिमाइजिंग योर डिवाइस का ऑप्शन देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसमें आपका डिवाइस ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर देगा। देन ऑप्टिमाइज यूर एनेबल गेम, जी दोस्तों आपने जो गेम सेलेक्ट की है उसको यहाँ पर ऑप्टिमाइज करना स्टार्ट कर देगा। देन दोस्तों ऑप्टिमाइजिंग योर फ्रेम रेट, जो फ्रेम रेट रहता है दोस्तों उसको भी ऑप्टिमाइज करना यहाँ पर स्टार्ट कर देगा। तो आपको थोड़ा वेट कर लेना दोस्तों सभी इस प्रकार से पूरी इसको एग्जीक्यूट होने के लिए। तो यहाँ पर से मैं थोड़ा कर लेता हूँ दोस्तों वेट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे में लिखा हुआ आ जाएगा ऑल ट्विक्स आर अप्लाइड सक्सेसफुल, यहाँ पर लिखा हुआ आपके डिवाइस में आ जाएगा। देन दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे में दीजिएगा थोड़ी कमांड आपको दोस्तों सेट एडिट ऐप से भी डालने हैं। जी दोस्तों आपको एक कमांड सेट एडिट ऐप में डालने होंगे, देन आपका ये परफेक्टली पूरी तरीके से सेटअप हो जाएगा। आपका डिवाइस पूरी तरीके से दोस्तों जो भी आपने गेम सेलेक्ट किया वो कभी लैग नहीं करेगा। जी दोस्तों अब दोस्तों आपको सेट एडिट ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है या फिर आप मेरे में पहले से इंस्टॉलेड है तो मैं यहाँ पर इसको सक्सेसफुली ओपन कर लेता हूँ। देन दोस्तों आपको सिस्टम टेबल पर क्लिक कर लेना है, सिस्टम टेबल यहाँ पर से ऊपर में सेलेक्ट कर लेना है। ग्लोबल टेबल मेरा पहले से सेलेक्ट है दोस्तों, इसको मैं कर लेता हूँ सिस्टम टेबल पर सेलेक्ट। देन दोस्तों आपको एड न्यू सेटिंग का ऑप्शन आएगा, देन दोस्तों यहाँ पर आपको ये कमांड डालनी है ro.mt.max, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कर देना है स्लैश डालने के बाद दोस्तों आपको कर देना है FPS। दोस्तों FPS आपका यहाँ पर
स्मॉल लेटर में होना चाहिए। देन दोस्तों एडिट सेटिंग में डालकर आपको ट्रू करके सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। देन दोस्तों यहाँ पर से आपको हो चुका है काम कंप्लीट। अब दोस्तों अब जो भी आप गेम आपने सेलेक्ट करके यहाँ पर डाली थी, फ्री फायर पबजी जो भी आपने डाली थी दोस्तों, वो कभी लैग नहीं करेगी, आप गेम को खेल सकते हैं। आपको दोस्तों बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस फील होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे में कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि इसी बैठ गए तो मैं लाता रहता।